पूरे राजस्थान में युवाओं जो रोष चल रहा है, चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे उनको बेरोजगार भत्ता देने का सवाल हो, राजस्थान में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का सवाल रहा हो, इन सारे मामलों को लेके 16 तारीख से लेके 1 तारीख तक पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस सरकार का पूरी तरह दिवाला निकल चुका है। राजस्थान को लगभग 6 लाख करोड़ के ज़्यादा कर्जे पे बोझ डाल दिया है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 1,25,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शासन में जो घटनाएं हुई है, चाहे वो सचिवालय की तिजोरी से करोड़ों रुपए और 1 किलो सोना उगलता हो, और यहाँ तक कि विधानसभा में लाल डायरी जैसे घटनाक्रम से शर्मसार किया इस लोकसभा राज्य इसको विधानसभा को और आमजन को, क्योंकि आमजन का विश्वास खो चुकी, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अराजकता में ये लिप्त है, पेपर लीप में सरकार लिप्त है। ऐसे हालत में राज्य सरकार को एक दिन भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा मेरा ये कहना था कि सरकार अपने प्रशासन पे नियंत्रण खो चुकी है। विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मिलके नेगोशिएट करके आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, और देश के हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में कल देखना ऐतिहासिक घोषणा और ऐतिहासिक लॉन्च किया जाएगा पैकेज, और उस पैकेज के अंतर्गत आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ किसानों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर हम लोग करेंगे। अब तक 2,40,000 करोड़ की राशि 13 किस्तों में किसान के खाते में डाली जा चुकी है, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान के गहलोत सरकार ने गारंटी कैंप लगा दिए, जनता की समस्याओं का समाधान न कर पाए, और यहाँ तक कि जनता को जलील करने का काम किया, गरीबों को पूरे दिन भर वहाँ बैठा ही रखा। मैं कहता हूँ ये सारे काम DBT के माध्यम से भी ये कर सकते थे। राहत कैंप एक महज दिखावा था, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लोगों को बुला बुलाकर उनको बाउंड किया जा रहा था, गारंटी वोट की ले रहे थे, ये शर्मनाक।